कैटरीना विकी कौशल की शादी को लेकर कई सारी खबरें सामने आ गई है। अब इसी शादी में अंबानी कनेक्शन सामने आया है। मुकेश अंबानी की तरफ से कैटरीना कैफ को बहुत बड़ी मदद की गई है और एक अच्छा खासा सपोर्ट अंबानी फैमिली ने इस शादी में दिया है। आखिर अंबानी फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट है इस शादी में, मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको बता दें कि कैटरीना कैफ की शादी जो है जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर चौथ का बरवाड़ा में स्थित एक पैलेस में हो रही है। सिक्स सेंस फोर्ट करके ये जगह है जहाँ पर 120 मेहमानों के रहने की व्यवस्था की गई है। अब ये जो रिसॉर्ट जिस जगह पर है वहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क के इश्यूज रहते हैं। ऐसे में कई सारी मोबाइल कंपनीज हैं, उन्होंने अपने टावर्स की रेंज बढ़ाई है। इसके अलावा फोर्ट के पास में ही चौथ माता का जो ट्रस्ट है वहाँ पर रिलायंस की तरफ से जियो का एक टेम्प्रेरी टावर खड़ा किया गया है ताकि शादी में जो मेहमान शामिल होने आ रहे हैं उनको नेटवर्क का इशू नहीं रहे। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रिलायंस की तरफ से कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में किया गया है। जनरली इस तरह की चीज़ें देखने को कम ही मिलती है, रेयरली इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन कैटरीना और विकी कौशल की शादी बेहद हाई प्रोफाइल शादी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बिगीज इस शादी में शामिल होने वाले हैं। शाहरुख खान से लेकर अनुष्का के नाम आ रहे हैं सामने कि एज अ गेस्ट वो वहाँ पर जाने वाले हैं। यही कारण है कि शादी की व्यवस्थाएँ भी खास की गई है इन खास मेहमानों के लिए। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि शादी में जो खास पकवान बनने वाले हैं उसमें सब्जियां भी बाहर से मंगवाई है। ब्राज़ील और थाईलैंड से ये सब्जियां मंगवाई गई हैं जो चौथ का बरवाड़ा स्थित फोर्ट में पहुंच चुकी है और इन सब्जियों को ढंग से प्रिजर्व किया गया है जिससे लजीज व्यंजन तैयार किए जाएंगे। कैटरीना कैफ की बहन नताशा को आज जयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ वहां पर पहुंची। वहीं विकी कौशल के भाई सनी कौशल भी जयपुर के लिए निकल गए हैं, शादी की शुरुआत से पहले ही व्यवस्था देखते नजर आएंगे। इसके अलावा कैटरीना कैफ को भी उनकी बिल्डिंग के बाहर फैमिली के साथ स्पॉट किया गया। कहा जा रहा है कि कैटरीना भी अपनी फैमिली के साथ जयपुर के लिए ही निकली है।